क्षत्रिय करो करुणावतारो। कुछ कलश भरारता केसरी छीन मझा, विपुल तरनितंबा पक्व बिंबा धरोष्ठि, चरणमय वयस्मा स्कंध विन्यस्त हस्तो निद्वन्द्वशकुञ्जं जातिराधारिकुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, दशास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्रीरूपसनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गुसाई करि चरण वंदन, जाहित विघ्ननाश विष्ठल पुरन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, सुभाष पंडित की, सकल आचार शरण की, श्री ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारनी जू की, श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री भागवत निवास की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नितारि गौर हरि। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को बिलाप कुसुमांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बिलाप कुसुमांजलि श्लोक संख्या 73। गोवर्धनाद्रि निकटे मुकुटे नर्मा, लीला विदग्ध शिरसा मधुसूदनेन, दानक्षलेन भवती मवरोध्यमाना, द्रक्ष्यामि किं भ्रुकुटिदर्पति नेत्रजुग्मां। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की एक अभूतपूर्व लीला का स्मरण हुआ है। आचार्य चरण कहते हैं कि गोवर्धनाद निकटे नर्म लीला विदग्ध शीर्षा मुकटे न, गोवर्धन अत्रि के निकट नर्म लीला विदग्ध शीर्षा, कौतुक क्रीड़ा के परायण जो सुनिपुण मुकुटमणि श्री कृष्ण हैं, उसके निकट ही जो दान घाटी है, मधुसूदने न दानक छले न अवरुद्ध माना भवती, उसी दान घाटी पर श्याम सुंदर खड़े होकर के किम भ्रुकटी दर्पित नेत्र जुगमा, और प्रिया जी से दान मांग रहे हैं और प्रिया जी अपने भ्रुकुटी की नेत्र से अपने भ्रुकुटी को चढ़ा करके दर्प युक्त हो जाएंगी,
प्रिया जी की वह वैसी भंगिमा को मैं कब दर्शन करूंगा। ऐसा आचार्य चरण प्रिया जी की उस लीला का स्मरण करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि वैसी लीला मुझे कब दर्शन। देखिए लीला की प्रवाह चल रहा है। आचार्य चरण प्रिया जी की लीलाओं का स्मरण करते करते उनको जुगल के सेवा रस का स्वादन प्राप्त हो रहा है। प्रियालाल की जो अद्भुत परस्पर की लीला है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि रूप गोस्वामी जब विदग्ध माधव नाटक लिखे और ललित माधव नाटक, तो ये दोनों पुस्तक रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए पढ़ने के। विदग्ध माधव नाटक पढ़े तो उनको बहुत आनंद है, लेकिन जब ललित माधव नाटक पढ़े, जब श्री कृष्ण की मथुरा गमन, द्वारिका गमन, तो उस लीला को पढ़ने के बाद वे अपने आप को सहन नहीं कर पाए। प्रिया जी का विरह है श्री कृष्ण से, यह सुनकर ही राधा कुंड के तट पर बेहोश हो। अब रूप गोस्वामी पास बहुत कष्ट में आए कि मेरे ग्रंथ से इनको इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हो गया। तो रूप गोस्वामी पाद ने उनके अंतर दाह को, हृदय के दुख को शांत करने के लिए दान के लिए कौमुदी लिखा। रूप गोस्वामी ने दान के लिए कौमुदी लिख करके जब रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए, तब हृदय का दाह उनका शांत कष्ट। तो वही आज रघुनाथ दास गोस्वामी को स्मरण हो गया है। दान के लिए कौमुदी में लिखा गया है कि एक बार वसुदेव जी नंद बाबा के पास है और कहे कि हमारे लड़के की प्रसन्नता के लिए, तो लड़का को कुछ हो ना, इसके लिए आप एक यज्ञ करें। तो गिरिराज जी के तलहटी में गोविंद कुंड के पास भागुरी ऋषि के द्वारा एक यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में पूरा ब्रजमंडल में उद्घोषणा कर दी गई कि इसमें जो घी देगा, यज्ञ में घी की आवश्यकता है, गाय की घी की, जो घी देगा उसकी इच्छा पूर्ति हो। भगवान श्री हरि ने शुक पक्षी के द्वारा पूरे ब्रजमंडल में यह घोषणा कर दी। इस बात को जब राधा रानी सुने, तो राधा रानी भी अपने स्वर्ण घाटों में खूब ताजा ताजा घी लेकर के सिर पर रख कर ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी और अष्टमंजरियों के साथ बरसाना से गिरिराज जी की तलहटी में। जब प्रिया जी राधा रानी अपनी सखियों के साथ आ रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया। सुख पक्षी ने आकर के श्री कृष्ण के पास कह दिया कि ब्रजरानी राधा रानी अपने अष्ट सखियों के साथ आ रही, दान के लिए। चिंतामणि में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, ज्ञात्वा तासाम गमन मचिदम। जब श्री कृष्ण को पता चला कि स्वयं दशभानुनंदिनी घी लेकर के आ रही, खीर वर्यस्य वक्त्रात्, सुख पक्षी के द्वारा जब पता चला, तो स्मृत्वा प्यारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो और सुबल मधुमंगल आदि प्रिय नर्म शाखाओं के साथ सावधानी से गिरिराज के ऊपरी शिखा पर चढ़ स्मृत्वा नर्म प्रिय सकगण रावृतो सावधान। सावधानी से ठाकुर जी गिरिराज जी के शिखर पर पहुंचे। शैलेन्द्रस्य परिपरिलसद श्याम वेद्यं घटी पड़ी। यहाँ दान घाटी की भगवान ने गिरिराज जी के बीच में जो दान घाटी का निर्माण ठाकुर जी ने किया है, जो अभी गिरिराज जी के बीचों बीच जो रोड है, वो दान मांगने के लिए भगवान बीच में रोड रास्ता बनाया।
तो वही प्रदान घाटी की ठाकुर जी ने रचना की और सखियों को जब पता चला विश्वभानु नंदिनी तो घी देने के लिए तो नहीं आ रही थी, वे तो प्रिय श्याम सुंदर से मिलने के लिए आ रही थी। किशोरी जी क्यों भला है, वो केवल इनको श्याम दर्शन की इच्छा थी। उसी समय प्रिया जी अपने घी सखियों के साथ मानसी गंगा पर गए और मानसी गंगा पर जब देखी चारों तरफ देख रही है श्याम सुंदर तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है इंतजार कर रही है। उसी समय प्यारे श्याम सुंदर गिरिराज जी के शिखर पर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के अपने अधर से बंसी नाद, उस बंसी नाद की आवाज जब प्रिया जी श्रवण की तो दान के लिए कौमुदी में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि उस आवाज को सुन करके प्रिया जी मूर्छित हो, इतना सुंदर आवाज कभी सुनी नहीं थी। राधा रानी अपने सखियों से कहने लगी कि अरे सखी देखो तो सही, अब हम लोग आज से तपस्या करना प्रारंभ है, हम लोगों के मानव जन्म सफल नहीं, ये मानव जन्म से अच्छा है कि हम लोग बांस बन तपस्यामक छामो दरी बरयुतम बेरुसु जन। चलो राजा रानी सभी सखियों से कहती हैं कि हे सखियों आओ हम लोग बेणु कुल में जन्म ग्रहण करने के लिए तपस्या करें, जिस रस की आस्वादन करने के लिए हम लोग हजारों वर्ष तक तपस्या की कि प्यारे श्याम सुंदर के अधराशों को पान करें। आया बांस जाति में जन्मा एक क्षुद्र लकड़ी श्री कृष्ण के अधराशों का पान कर रहा है। बरेण्यम मन एता सखी तद खिलानाम सुजनुषा। हमारे विचार से इस भूमंडल में जितने शरीरधारी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ बांस है वेणु। तपस तुम ये न जाने कौन सा तपस्या किया जिसके फलस्वरूप वह श्री कृष्ण के अधरासों का पान कर रहा है। मुकुंद की बिंबाधर माधुरी के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो 24 घंटा प्यारे श्याम सुंदर के अधर पर लगता है, अधर मखमल का गलीचा है, उस पर प्यारे श्याम सुंदर उसको हमेशा बजाए रहते हैं। इस प्रकार प्रेम भार के कारण आलस हुए चित्त प्रिया जी बार बार कृष्ण कथा कहते कहते विभोर हो जा रही है। उनके शरीर से अनंत अनंत रस की धारा निकल रही है श्याम रस को पान करने के लिए। उसी समय वृंदा देवी राधा रानी से कहती है, अरे तुम देखती नहीं हो, केवल बंसी की आवाज ही देख रही हो, देख नहीं रहे हो कृष्ण कहाँ है। सखी श्री कृष्ण बहुत बार, उस समय वृंदा कहती है कि देखो श्री कृष्ण गिरिराज जी के ऊपरी शिखा पर खड़े होकर के त्रिभंग ललित मुद्रा में अपने अधर पर बंसी धारण करके प्रत्येक प्राणियों के चित्त को आकृष्ट करने के लिए बंसी नाद कर रहे हैं। देखो सखी उस रूप को जब प्रिया जी देखी तो देखते ही कहने लगी, यदि सखी श्री कृष्ण को मैंने बहुत बार दर्शन किया, हमारे नेत्र के गोचर बहुत बार हुए, पर ऐसा अपूर्व माधुरी मैंने तो कभी देखा नहीं। पूर्वम क्वचिदपि न दृष्टो मधुरिमा तो देखी प्यारे श्याम सुंदर की, इनकी मधुरिमा ऐसी है कि जिसके रूप को देख करके मनुष्य को कौन चलावे, स्त्रियों को कौन चलावे, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा सब मतवाला होकर के उस रस का पान करना चाहते हैं। तो अरि सखी पूर्वम क्वचिदपि न दृष्टो मधुरिमा, आज तक ऐसा सुंदर मैं रूप कभी देखी नहीं। देखिए प्रेम का प्रभाव है, प्रेम यदि किसी को हो जाता है तो वो वस्तु नयापन दिखता है, नित्य नूतन दिखता है, रोज देखने के बाद भी लगता है कि मैं अभी देखी, पहले कभी नहीं देखी थी, अभी ऐसी ही देखी। अरे सखी देखो तो सही, उनके एक एक लावण्य की स्फूर्ति हो रही है, उनकी लावण्य शोभा मेरे नेत्र को, मेरा नेत्र उसको पान करने में असमर्थ है। श्याम सुंदर के
जो दिव्य छटा है, दिव्य मधुरिमा है, इनकी नादक मुस्कान है, इतनी त्रिभंग ललित मुद्रा से देखते हैं, इसको देखने में हमारा नेत्र समर्थ नहीं, हमें देख नहीं पाऊंगा। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर की उस मधुरिमा को पान करते करते बिल्कुल उन्मत्त हो गए, रस मग्न हो गए, और परस्पर ललितादी सखियों से कहने लगी, देखो सखी अपरूप रंग, ऐसा रंग तुम ही बताओ। प्रिया जी ललिता जी से कहती है, अरे ललित जी तुम तो श्याम सुंदर को न जाने कितनी बार दर्शन की है, ऐसा रूप कभी देखी है क्या? देखो सखी अपरूप रंग, कितना सुंदर रंग है, कितना सुंदर इनकी छटा है, निरूपम प्रेम विलास परायण, इनका घोरणित नेत्र, इनका मधुर मुस्कान, इनका त्रिभंग ललित चाल, देखो तो सही, निरूपम प्रेम विलास रसायन पिबरित पुलकित अंग, हमारा नेत्र उस रस का पान करके पूरे शरीर में पुलकावली युक्त हो गया है, रोमांचित हो गया है। दूर सही दर्शन अनिमुख लोचन बहुत ही आनंद नहीं, इतने ऊंचे शिखर पर है, उस रूप को देख करके ऐसा लगता है हमारा नेत्र का जो पलक है वो बंद हो जाए, और निमिष नेत्र से उस रूप माधुरी को मैं पान करती रहूं, आनंद से आरे डुबलो दुजा, सखियों के सहित प्रिया जी उस आनंद समुद्र में डूब गए। अब प्रिया जी को कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत क्षण भय गुलो थी, अब सखियां स्तंभित हो गई कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रिया जी इस रूप का जो दर्शन किए हैं। अब देखिए इसी रूप का वर्णन दोनों है, परस्पर दो चकोर दो चंदा, केवल प्रिया जी ही प्यारे श्याम सुंदर के रूप को देख करके मोहित नहीं होती, यहाँ श्याम सुंदर की भी वही स्थिति हो जाती है। श्याम सुंदर दूर से जब प्रिया जी का दर्शन करते हैं तो दर्शन करते समय कहते हैं, फुल चंपक वल्लिकाय रियम की नो सच जंगमा अरिशकी, अरे भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अरे यह मानसी गंगा के तट पर ये चंपक लता कहाँ से प्रकट हो गई, ये दिव्य ज्योति कहाँ से प्रकट हो गई, चंपक माने जो बिजली है ये कहाँ से प्रकट हो गई, विकसित चंपक लता कहाँ। तो भाई लता तो कभी चलती नहीं है, लेकिन ये तो चल रही है, नहीं नहीं किमनो नौसा जंगमा, ये तो लता नहीं है, ये तो चलने वाला कोई वस्तु है, गतिशील है, किंवा विद्युत लतिका, क्या ये बिजली की लती आ गई पृथ्वी पर क्या, जो आकाश में बिजली चमकती है बादलों के बीच, वही क्या इस पृथ्वी पर आ गई क्या। तो कहते नहीं, तो चपला है, वो तो एक क्षण के लिए चमकती है फिर स्थिर हो जाती है फिर छिप जाती है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष दिख रही है, ये तो बिजली की लती नहीं है, बिजली की लती तो प्रकट होती है और क्षण में ही मेघ में लीन हो जाती है। किम ज्योति लहरी, तो क्या है दीप्त तरंगनी तटी है, अर्थात यह क्या कोई नदी सरोवर है जो यहाँ हमारे आंख के सामने मानसी गंगा के तट पर दिख रही है। नहीं सके, ये तो नदी नहीं, तो मूर्ति जैसी दिख रही है। यह कह करके श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे सखी अब मैं समझ गया, ये सखियों से घिरी हुई साक्षात विश्वभर नंदिनी ही आ रही है, और भी क्या, और इसके अतिरिक्त और कौन हो सकता है, प्रिया जी की तुलना इस संसार में भला कौन कर सकता है। फिर प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की उस रूप माधुरी का आस्वादन करने लगे, और आस्वादन करते करते कहते हैं कि ये वृषभानु बाबा की कीर्ति है, आज तक भूमंडल में ऐसी कीर्ति किसी के घर प्रकट नहीं, ये गौरांगी गौरी श्री वृषभानु वंश विलसत, ये वृषभानु बाबा की कीर्ति पताका को फहराने के लिए ही ये ब्रजरानी राधा रानी प्रकट हुई है। फिर कहते हैं कीर्ति ध्वजा कीर्तिदा, ये कीर्तिदा के गर्भ रूपी खान की रत्न कांति है, ये साधारण के पेट से तो प्रकट नहीं हुई है, साक्षात कीर्तिदा की गर्भ रूपी खान की रत्न कांति है,
देखिए कि ब्रज रानी राधा रानी कृतिदा के पेट से प्रकट नहीं हुई, न राधा रानी न सीता जी, कोई गर्भ जात नहीं, गर्भ से नहीं निकलते। सीता जी पृथ्वी को फाड़ कर प्रकट हुई और राधा रानी जमुना जी में कलिंद नंदनी कालिंदी से ये प्रकट हुई कमल के पुष्प पर। उसको वृषभानु बाबा को मिला, तो मिलने के बाद जो सेवा किया है उसी को अपना पुत्र मानते हैं। तो कहते हैं कीर्तिदा की गर्भ गर्भांत खनि रत्न कांति लहरी, ये साक्षात कीर्तिदा महारानी की गर्भजात संतान है, रत्न की खान है, लहरी है। और श्री दाम पुण्यानुजा, श्री दामा की पुण्य अनुजा है। श्री कृष्ण कल्पना कर रहे हैं ये जो श्रीदामा है, श्रीदामा की अनुजा छोटी बहन है। कहाँ तक कहें प्राण प्रस्थ सखी निकाय, अरे सभी जितनी भी सखियां हैं, सखी भी बहुत प्रकार की हैं, प्रस्थ सखी, प्राण सखी, परम प्रस्थ सखी। तो कहते हैं प्राण प्रस्थ सखी निकाय, ये प्राण श्रेष्ठ सखी समूह रूपी कुमदनी में उल्लसित होने वाली ये कोई अद्भुत प्रदीप्त चंद्रिका ही प्रकट हो गया यहाँ, जो मेरे प्राण रूपी महामयूर की वासस्थली वही श्रीमती राधिका रानी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी दान केली चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखे हैं, उसमें प्रिया जी के इस रूप का वर्णन प्यारे श्याम सुंदर कर रहे हैं और श्याम सुंदर के रूप को प्रिया जी वर्णन कर रहे हैं। एक पारस्परिक दर्शन हुआ, भावमय हृदय की सरिता दोनों के हृदय में उमड़ गया, धीरे धीरे वे चल रही हैं। ललिता सखी कहती है कि अरे सखी चलो, जग प्रारंभ हो गया, यदि हम लोग घी नहीं ले जाएंगे तो हम लोगों का काम पूरा नहीं होगा। ललिता सखी कहती है कि चलो सखी, अब धीरे धीरे चल। स्वामिनी जी कहती हैं कि सखी अब मैं चलने में असमर्थ हूं, चल नहीं सकती। तो ललिता कहती है कि क्या हो गया, पैर में व्यथा हो गया, कंकड़ धस गया, क्या हुआ, क्यों नहीं चल पाती हो? तो ऐसे ही मैं नहीं चल सकती हूं। तो ललिता शक्ति कहती है कि तुम्हारे पैर में कुछ धस गया, कुछ गड़ गया, कि तुम्हारे हृदय में वह काला कंकड़ लग गया, प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारे हृदय में बैठ गए और इंद्रियों को स्तंभित कर दिए। जब प्यारे श्याम सुंदर हृदय में घुस जाते हैं तो पैर चलना बंद कर देते हैं, हाथ की गति रुक जाती है। भागवत में तो कहते हैं कि गोपियां कहती हैं हम क्या करें, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग चले जाओ, तो गोपी कहती हम चले कैसे, हमारा पैर तो तुमको छोड़कर एक पग भी चलने के लिए तैयार नहीं, पादम पदम न चलत तब पादम हो जाते हैं। भगवान कहे कि जल्दी चले जाओ, तुम्हारे सास ससुर माता पिता बच्चे तुमको इंतजार करते होंगे, नहीं आने पर उनको बड़ा भारी कष्ट होगा, चले जाओ, भगवान कहते जाने के लिए। तो गोपियां कहती हैं पादम पदम न चलत तब पादम, फिर भी ठाकुर जी डांट रहे चले जाओ चले जाओ। तो गोपियां कहती हैं जाम कथम ब्रजमथो परवाम किम, यदि तुम्हारे कहने पर हम लोग चली भी जाए तो जाकर करेंगे क्या, जाम कथम ब्रजमथो करवाम किम, क्या करेंगे? तो कहे भगवान क्यों नहीं तुम लोग कुछ करोगी, क्योंकि तू हमारा मन तो अपने पास रख लिया है, तुम ही बताओ बिना मन के हम लोग जाएंगे तो रोज पिटाई खाएंगे कि नहीं। सास कहेगी ये काम करने के लिए मन तुम्हारे पास है, काम गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पिटाई खाना पड़े, तो उस पिटाई खाने से चाहे तुम्हारे पास ही रह जाए। गोपियां कहते हम लोग जाने में असमर्थ है, नहीं जा सकते। यहाँ पर ललिता सखी कहती है क्या हो गया, तो कहते हैं कि मन में काला कंकड़ लग गया है क्या, पैर चलने से नहीं चलता है, मन में लगने से और नहीं चलता है। इस प्रकार सखियों के साथ विविध हास परिहास रंग करती हुई प्रिया जी धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए यही नित्य निरंतर श्री कृष्ण का ही चिंतन, प्रिया जी इस जगत में प्रकट होकर के समस्त साधकों को यह सिखला रही हैं
कि प्रत्येक अवस्था में अपने मन को कैसे श्री कृष्ण के चरण में लगाए। अब प्रिया जी जल्दी अब आ रही है, गोविंद कुंड जाना है, उसी समय प्यारे से आप सुंदर सुबल सखा इत्यादि के लेकर के वहां दान घाटी के नजदीक आ गए। दान घाटी के पास आकर के कहे तुम लोग कहां से आई, कर दो दान। श्याम सुंदर कर मांग रहे, स्वामिनी पदन न्यास के द्वारा श्याम नागर के मन को खींच रही है। प्रिया जी चाहती है प्यारे श्याम सुंदर, लेकिन बारिमाणा दुर्लभता और बारिमाणा ही इस मधुर रस का संबल है। तो धीरे धीरे वारण कर रही है, भूषणों का शब्द कानों में आ रहा है, पैर का नुपुर की ध्वनि, इधर प्यारे श्याम सुंदर का भी भूषण का दोनों का। यहाँ मुग्ध नागर दौड़ करके प्रिया जी के पास आया और मोहनीय आह प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं मुख कि तुम लोग मुझे दान दे दो। मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, नेत्र में कटाच और जुगल माधुर्य के प्लावन में सखी मंजरिया उस जुगल विहार का दर्शन कर रही है। प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी ये उनके हाव भाव क्रिया कटाच मंद मुस्कान पर एक दूसरे परस्पर मोहित होते जा रहे हैं। प्यारे श्याम सुंदर अपने बेद को लेकर के रोक दी और रोक करके कहते हैं, रास्ता रोक करके कहते हैं, जा रही हो ठीक है, तुम मेरा दान देकर जाओ। यह सुन करके प्रिया जी का जो भंगिमा है थोड़ा तंग है। अरे ब्रज की मालकिन तो कृष्णभाग नंदनी राधा रानी है, ये तुम कहां आ गया दान मांगने वाले। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत में लिखते हैं कि जानी तत् चरिता मृता निरसला लेहा निधन्यात्मा। इस कैशोर चपलता पूर्ण चेष्टा विशेष और तुम्हारे मुख पद्म का भाव युक्त और वेणु गीत इत्यादि जो धारावाहिक हमारे मन में आ रहा है, वास्तव में इस जगत में वही प्रशंसनीय है जो ये प्रिया प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी की यह छवि जिसके अंदर आ गया। और वहां पर शिल रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नील मणि में कि गोपियों का जो भाव है खिलखिंचित भाव इत्यादि का वर्णन करते हैं। अब देखिए प्रिया प्यारी श्याम और प्रिया जी और श्याम सुंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहले सखियों के साथ वार्ता चलती है, प्रिया जी तो दूर है और सखियों से बात। स्वामिनी मौन है, गंभीर है, प्यारे श्याम सुंदर की एक भी शब्दों का उत्तर नहीं देती। बीच बीच में श्याम सुंदर दान मांगने के बहाने प्रिया जी के अंग का स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे दे दो मेरा दान दे दो, कहां तुम लोग जा रही हो। तो प्रिया जी कहती है क्या दान चाहिए, सखियां पूछी क्या चाहिए तुम लोगों को। तो प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि हम ऐसा दान मांगेंगे जो जैसा जीवन का आज तक कोई मांगा है, ऐसा दान क्या मांगोगे दान। ललिता सखी कहती है कि क्या तुमको दान चाहिए, तो कहते हैं कि जौवन दान दे दो, हम जौवन दान लेने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। सुनकर स्वामी जी थोड़ा दर्पित होकर के अपने भ्रिकुटी को ऐसी शोभा से खींचती है क्रोधित होकर के, और सखियां मुंह में हाथ रख करके हंसने लगी और हंसते हंसते कहती हैं आज तक तो दुनिया में हम लोग ऐसा दान ऐसा कर सुनी नहीं, कहीं भी सुनी नहीं। संसार में राजा महाराजा बड़े लोग टैक्स लगाते हैं, लेकिन जौवन दान यह भारत हम लोग कहीं सुनी नहीं, ये कहां से चालू हुआ। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं हाँ हाँ मेरे घाट का यही है और दूसरा कुछ नहीं लेते, हाँ मेरे घाट का वही दान देना पड़ता है। श्याम उत्तर देते हैं ये दान केली कौमुदी में बहुत विस्तार से इस रस का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी पाद और दान केली चिंतामणि में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इस रस का वर्णन किए। वही यहाँ पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मन से उस लीला का स्मरण करके कहते हैं गिरिराज जी की तलहटी में जो ये लीला हुआ है, दानक छलेन भवती अवरुद्ध माना द्रक्षान किम झुकुटी दर्पित नेत्र जुगमा।
रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि यह गोवर्धन तट के नजदीक दान घाटी के पास दानव छलेन भवती अवरुद्धमाना। उदान घाटी पर भगवान श्री कृष्ण हाथ में डंडा लेकर के रोके हैं और गोपियों से 54 दान मांग रहे हैं। और उस समय प्रिया जी की जो भ्रुकुटी तन गई है, द्रक्षामि किं भ्रुकुटी दर पितनेत्र जुगमाम, दोनों नेत्र तन गई है, क्या उस नेत्र को मैं देख पाऊंगी। ऐसा स्वामी अवज्ञा से भरी चली जा रही है, मेरी अवज्ञा कर चली जाओगी, देखो मुझे ज्यादा तनुवत कर देता है। इस प्रकार स्वामी जी प्यारे श्याम सुंदर को धक्का देकर सखियां निकल जाती। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि उस रूप को देख करके सखियां कहती है, एक चंडी, प्रिया जी का नाम चंडी, क्रोध में है। श्याम सुंदर अब और क्रोधित हो कहते हैं कि देखो काले सांप को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका फुफकार मात्र से, यदि यह सांप एक बार फुफकार कर देगा तो सारा विश्व ब्रह्मांड विमोहित हो जाएगा, तुम लोगों की बात करो। अर्थात कुंडलधारी श्री कृष्ण के चुंबन करने मात्र से ही सारा काश त्रैलोक, इस तीनों लोकों में कौन नारी है, यहाँ तक कि स्वर्ग में, वैकुंठ में, पाताल में कोई है जो श्याम सुंदर की मतवाली चाल को देख करके अपने मन को धैर्य धारण कर सके। तो देखिए तुम लोग कहाँ छल कर कर जा रही हो, यहाँ पर कोई रुक नहीं सकता है। फुत क्रियम या प्यस्य भवतास विमोहिता से, सब तुम लोग विमोहित हो जाएगी। स्वामी की दर्प सहित भव में सिकोड़ करके इस प्रकार के कहती हैं। तो स्वामी जी कहती हैं कि देखो इस सर्प की हिम्मत इतना नहीं है कि ब्रजरानी राधा रानी को स्पर्श कर दे। अरे भाई कितना भी मतवाला सर्प हो, क्या नेवले के पास टिक सकता है या उसको काट सकता है। घर्षण कुलस्त्रीणा, कुलस्त्रियों के घर्षण से तुम समर्थ नहीं हो सकोगे। इस प्रकार प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर एक साथ दोनों महाराज जो मधुर चर्चा कर रहे हैं उसी रस का स्वादन करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, आहा उस रस का मैं कब दर्शन करूंगा कि आपकी ध्रुपटी तन जाती है और श्याम सुंदर उस रूप का अवगाहन करने लगते हैं। कैसे जाओगी अब मैं देखता हूँ, श्याम सुंदर कहते हैं। यह कहकर जबरदस्ती मक्खन लेकर के श्याम सुंदर खाने लगे। आज भी डान घाटी जो है गिरिराज की तलाटी में, यहाँ भी है और बरसाना में भी, साकरी खो में भी श्याम सुंदर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सखियाँ रास्ता जाती हैं तो मांगते हैं, दो हमारा टैक्स दो।